अनिल शुक्ल जी का हमें लगता है कि कनेक्शन बीच में टूट गया है। अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर दीजिएगा। आज दो चीजें मैं देख रहा था, एक तो केरल में मोदी जी की रैली, जब कोई राज्य में चुनाव होता है तो उसी के आसपास जो है मोदी जी की रैली जरूर हो जाती है, रोड शो रैली ये सब सुविधाएं चुनाव आयोग देता है। और कर्नाटक का जो सामने दृश्य दिख रहा है वो दृश्य और विपक्षी एकता की अपोष है, इनको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए ये तो है कि नीतीश जो जो काम शरद पवार मतलब कर रहे थे वो काम छूट गया, मतलब धीरे धीरे वो उनके हाथ से फिसल गया। और नीतीश ने वो जो विपक्षी एकता में कांग्रेस से बाहर का के लोग जो भी हैं, जो विपक्षी पार्टियां और हैं गैर कांग्रेसी, उनको जोड़ने का मतलब जिम्मा एक तरह से उनके हाथ में आ गया है। अब ये मतलब और ये लगता है जैसा दिखाई देता है कि ये खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद एक तय इसमें तयशुदा ढंग से हुआ है कि तय हुआ कि ये आप ये काम करिए। और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी, फिर ममता बनर्जी, अखिलेश, ये तीन लोग इसलिए महत्वपूर्ण है कि तीनों ने लगभग साफ कर रखा है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं। और ममता बनर्जी ने भी तो दिखाई मतलब वो तो विरोध में ही दिखती रही, आम आदमी पार्टी भी वैसा ही, और अखिलेश भी लगभग पहले ही बोल चुके थे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे वगैरह, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं का उन्होंने संकेत दे ही दिया था, ऐलान ही लगभग कर दिया था और कर भी रहे लगातार वो नहीं जा रहे। तो ये तीन लोगों से उनका मिलना, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदीप जी ने कहा कि तेजस्वी के साथ मिल रहे हैं, इसका मतलब कि जो महागठबंधन का बिहार का फार्मूला है उसके आधार पर वो मिल रहे हैं कि एक गैर भाजपा अलायंस हो जिसमें कि हर स्पेक्ट्रम की हर तरफ की पार्टियां हो, लेफ्ट इंक्लूडेड। तो ये ममता बनर्जी ने कितना अभी स्वीकार किया है इस बारे में, मतलब वो पॉजिटिव है कि उन्होंने कोई कांग्रेस पर अटैक नहीं किया इस संदर्भ में, कोई इस पहल को उन्होंने नकारा नहीं, ये सब पॉजिटिव है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बिहार से शुरू होना चाहिए इस एकता की बड़ी मुहिम, और चूंकि वो जेपी आंदोलन के का केंद्र मतलब जेपी आंदोलन का स्रोत रहा है और वहां से ये आप मतलब उन्होंने कहा कि आप नेतृत्व करिए इस तरह की ये का और हम उसमें समर्थन देंगे। लेकिन उसमें दो तीन जो ये जो मतलब उनकी उनका जो बयान है या जो उन्होंने बताया है उसका अर्थ सिर्फ पॉजिटिव पूरा नहीं है मेरी राय में, उसको राजनीतिक रूप से देखना चाहिए कि उन्होंने इसका मतलब ये किया कहा है दूसरे शब्दों में कि ये पहल आप करिए, मतलब कि वो उस पहल में साथ देंगी इतना तक मतलब लग रहा है कि उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने इसको कुछ विस्तार में नहीं कहा कि हमको इकट्ठा होना चाहिए और ये पहल मतलब उसको उसका आप उतना विस्तार नहीं देख सकते जितनी कि हम लोग अभी मान लें कि ये एकता हो गई या हो ही जाएगी। दूसरा है क्या कि जो महाराष्ट्र में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं और जो दिखाई दे रही हैं उससे लग रहा है कि ये उतना मतलब कहता है कि ये डगर उतना मतलब कठिन है डगर का आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि तो उसमें जैसे एनसीपी का जिस तरह से आ रहा है, पवार लगातार कुछ मतलब दोनों तरफ मतलब क्लियर करते हैं कि बीजेपी के खिलाफ है, साथ में वो पक्के तौर पर कमिट करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आज ही उनका बयान आया है कि उन्होंने कहा कि इच्छा है कि हम लोग इकट्ठे हों, लेकिन ये अभी उसमें बहुत सारी चीजें हैं होना है जैसे कि सीट शेयरिंग होगा फलना होगा, मतलब उन्होंने कंडीशंस वगैरह लगाए क्या कि ये सब दिक्कतें हैं। दूसरा है अजीत पवार तो साफ लाइन इसके खिलाफ ही ले रहे हैं इस तरह की एकता क्या, वो तो बीजेपी के पक्ष में कई बातें बोल गए हैं मोदी वगैरह के पक्ष में। तो ये इसका अर्थ ये है कि ईडी अभी जो चैलेंजेज है ये ममता बनर्जी के साथ भी उतना ही लागू होता है जितना अखिलेश के साथ लागू होता है, जितना एनसीपी मतलब माइनस पवार अजीत पवार के साथ लागू होता है, वो है कि ईडी एंड सीबीआई एजेंसीज का दबाव कितना ये लोग सह पाते हैं और वो दबाव बढ़ेगा। लेकिन ये इसमें जो नीतीश जी की पहल से एक बात हुआ है कि जो अटैक था जैसे कि केजरीवाल का भी, अब वो कांग्रेस को निशाने पर नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत राजनीति उनकी बदल गई है या बदल रही है ऐसा मतलब
लगता नहीं है, अभी बीच में खड़े हैं ये लोग, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, अखिलेश थोड़ा सा इधर है, लेकिन वो भी समझिए कि बीच में ही है। अभी उन लोगों को मान लेना कि विपक्षी एकता की केंद्र में है, मतलब आ जाएंगे नीतीश के साथ झंडा लेके। अब ये फॉर्मूला कैसे चलेगा कि जो दिक्कतें हैं, मतलब ममता बनर्जी के साथ बंगाल में, कि वो लेफ्ट और कांग्रेस को बाहर रख करके एंटी बीजेपी काम करना चाहती हैं, तो वहां मल अगर उनका अलायंस जो तीसरा मोर्चा है उसका तो कोई अब अर्थ है नहीं, इसीलिए कि वहां उनकी कौन मदद करने वाला है। लेकिन अगर यही पहल वो दूसरी जगह करेंगी, अखिलेश के साथ मिलकर के, नीतीश के साथ मिलकर के, इसका मतलब है कि इसको सेबोटेज ही करेंगी। तो अभी मतलब मेरा मानना है कि अभी तुरंत जंप नहीं करना चाहिए। नीतीश का बिल्कुल एक चीज क्लियर हो गया कि नीतीश और तेजस्वी, और तेजस्वी को इसलिए साथ में लेकर वो घूम रहे हैं कि एक क्रेडिबल पहल लगे, ये नहीं लगे कि कोई इंडिविजुअल एक आदमी की पहल है। वो है कि एक पहल है जिसका फार्मूला बिहार में ऑलरेडी है और उसको लेकर के जा रहे हैं। अब उसमें कितना वो सफल होंगे वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो बड़ी विपक्षी एकता होगी उसमें ममता बनर्जी किस तरह आएंगी, अखिलेश और एनसीपी, एनसीपी मतलब अजीत पवार वाला एनसीपी जो बनेगा या टूटेगा जो भी हो, या अभी उनके नेतृत्व में है, तो वो लोग क्या करेंगे उस पर अभी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश, ये जो कांग्रेस के समर्थन से बनने वाली जो एक ब्रॉड विपक्षी एकता है, उसके एक बड़े मतलब चेहरे के रूप में आएंगे, और ये इसको कांग्रेस, इसमें सबसे ज्यादा रोल देखना चाहिए राहुल गांधी और खड़गे का, जिन्होंने नीतीश की इस पहल को मतलब हरी झंडी दे दी कि आप इसको जी करिए, हम लोग जहां नहीं जा सकते वहां आप जाइए, लेकिन विपक्षी एकता जरूरी है और हम जो है इसके हम चाहते हैं ऐसा। तो ये हरी झंडी नहीं दी बल्कि उसको इंडोर्स किया कि आप जो करो आप जी तय करो। तो ये एक बहुत बड़ी ये है मतलब पहलकदमी है, और इसमें नीतीश बिल्कुल का कद भी बड़ा होता है और उनकी भूमिका भी बड़ी।